तेलंगाना में 400 केंद्रों पर इंजीनियरिंग, कृषि और चिकित्सा सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 2,20,248 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैदराबाद ने परीक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की है। ये पहली बार है कि MBBS, BDS और आयुष सहित चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा नहीं की जाएगी। 2.20 लाख विद्यार्थियों में से 1,41,054 इंजीनियरिंग के लिए होंगे और 79,194 परीक्षा के लिए कृषि, फार्मेसी और पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होंगे। इंजीनियरिंग स्ट्रीम परीक्षा 10 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद कृषि और मेडिकल धाराओं की परीक्षा 2:30 से शाम 5:30 तक होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई थी कि वो परीक्षा के लिए सुबह 8:30 के पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचे और कृषि और चिकित्सा परीक्षा के लिए 1 बजे के लिए वो टाइम पर परीक्षा केंद्र पहुंचे। JNUTUH ने तिरुपति में 10 केंद्र, विजयवाड़ा में 2 और विशाखापट्टनम में 8 स्थापित किए थे। हैदराबाद को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और लगभग 84 परीक्षण केंद्र थे।